न्यूजीलैंड में साइक्लोन ग्रेवियल के बाद मंगलवार को इमरजेंसी की घोषणा कर दी गई है। यह न्यूजीलैंड के इतिहास में तीसरी बार है जब किसी तूफान के चलते आपातकाल लगाया गया है। इससे पहले सोमवार को करीब 509 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई थी। देश के उत्तरी इलाकों में 250 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल रही थी। वहीं ऑकलैंड शहर में हवा की रफ्तार फिलहाल 110 किलोमीटर प्रति घंटे रही है। उत्तरी इलाकों के करीब 46,000 घरों में बिजली सप्लाई ठप हो गई है।